लो सफ़र शुरू हो गया। देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा रश था। हम लोग एसी के इसमें बैठे हैं यार, बहुत बुरे हाल थे भैया। टिकट होते हुए भी अपने वर्थ में नहीं जा पा रहे थे, इतना ज़्यादा रश था। बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेज करने की, जब आप फैमिली के साथ नहीं आते हो, सामान देखना है, अपनी चीज़ें है, ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है मैनेज करने की। रिच्ड एट मथुरा, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन के लिए, क्योंकि आज मेन प्रोग्राम है वृंदावन में, प्रेम मंदिर में। ये ओयो वाले ने बहुत पागल किया यार, बहुत परेशान करके रख दिया ये ओला वालों ने। ऑटो वाले भी नहीं लेके जा रहे, ये लोग भी नहीं लेके जा रहे, अब क्या पैदल जाएंगे क्या यार? मतलब कुछ तो सोचना चाहिए इंसान के बारे में। कस्टमर है हम लोग, कितने दूर से आते हैं ट्रैवल करके, हद। मतलब सो दिस इज़ आर प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग, वृंदावन जो प्रेम मंदिर है ना, वहाँ से ये लोकेशन से 4 to 5 kilometers है। और मतलब सर्विस इनका बहुत अच्छा है। नाम है होटल गोपी धाम, जो प्रेम मंदिर से 4 to 5 kilometers है। न्यूली ही कंस्ट्रक्टेड है, सारे रूम एकदम पॉश है, वॉशरूम भी अच्छा है और स्पेशियस भी है काफ़ी। सो अगर नेक्स्ट टाइम आप प्लान करते हैं तो यू कैन सेव दिस नेम, होटल गोपी धाम, बढ़िया जगह है बहुत। सो फाइनली भाई बंद करना, ये बंद कर थोड़ा सा, तू फिर से निकाल रहा है क्या? अच्छा। सो फाइनली थक हार के जो ट्रेन के पंगे, रे बाप रे, आई कांट टेल, मैंने आज तक जिंदगी में इतना भयानक हाल नहीं देखे यार। लिटरली मतलब बहुत वाट लग गई, कब से निकले हम लोग, कब पहुँचे। लेकिन फाइनली एवरीवन इज सेइंग कि यू आर सो लकी कि तू होली पर जा पा रही है बरसाना। और एक्चुअली ना लास्ट ईयर मैंने बरसाना का बोला हुआ था, मीन्स होली के टाइम पे मैं ऐवे ही बैठी थी घर पे, तो तब मेरा ऐसा हुआ कि नहीं यार बरसाना में क्या होली खेलते यार, तो मुझे एक बार तो एक्सपीरियंस लेना ही लेना है। तो फिर मेरा ऐसा हो गया कि नहीं बस अभी जाना ही है। फिर भी मतलब कच्चा पक्का ही था, जाना है नहीं जाना है, जाना ही नहीं जाना है। तो फाइनली कब टिकट की है, सैटरडे को। ट्रेन कब की, संडे की। मतलब 2-3 दिन से चल रहा था कि कंफर्म है जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो सैटरडे को निकले, मतलब टिकट निकाली मैंने जाकर संडे की, और वेटिंग कितनी आई, 165, जो कभी भी क्लियर नहीं होती है। फिर उसके बाद ठीक है अब जाना तो है ही। तो फिर भाई और मैंने दोनों ने पहले, मैं सोलो ट्रिप का ही प्लान कर रही थी कि मैं अकेली जाऊंगी, फिर उसके बाद मैंने मोहित को बस, भाई को बस पूछ के देखा कि तू चलेगा क्या। फिर संडे को पैकिंग किया, रूम बुकिंग नहीं कुछ नहीं, मैंने इस्कॉन टेम्पल से जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनसे बात करके, गेस्ट हाउस ये वो सब 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 कुछ देखा, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, एवरीथिंग वॉज फुल। फिर उसके बाद मैंने अब बोला कि ठीक है जाने दो, देखेंगे। ऑनलाइन ट्राई किए, सारे ऑनलाइन ऐप्स ट्राई किए, उसमें भी सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है देखते, और पूरा पैकिंग किया, सब किया। मैसेज आया कि ट्रेन लेट है 1.5 घंटा। हम लोग स्टेशन पहुँचे 9:30 बजे, ट्रेन थी 9:15 की। धक धक तो हो रहा था बहुत ज़्यादा कि यार कहीं गलत तो नहीं है, ट्रेन तो नहीं छूट जाएंगी ऐसा वैसा। लेकिन ट्रेन 9:30 को पहुँचे हम लोग, और 9:40 की ट्रेन थी, तो लकीली ट्रेन भी मिल गई। ट्रेन आई वहाँ, और ट्रेन में इतना भयंकर रश था, इतना भयंकर जिसकी कोई हद नहीं।
उसके बाद हम सोचे कि वापस जाए क्या, फिर था नहीं जाना तो है, कैसे तो करके कैसे तो करके इतने ज़्यादा रश में हम लोग चढ़ गए, बस हम लोग चढ़ गए ठीक है। और फिर कहा जाए तो एसी के इसमें चढ़े, फिर वहाँ से पैंट्री के थ्रू स्लीपर में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही थी। फिर हम लोग एसी के डब्बे में जहाँ पे वॉशरूम रहते हैं और थोड़ी स्पेस रहती है खड़े रहने की, वहाँ पे हम लोग 9:45 से लेकर तो रात के 2 बजे तक खड़े थे ठीक है। उसके बाद मतलब इतना शुरुआत जो हुई है ना पूरी एडवेंचरस हुई है, भयानक एडवेंचरस। उसके बाद हम कैसे तो करके हमारे कुछ फ्रेंड्स बने, मतलब वहीं पे बात बात किए हमने, फिर उन्होंने हमको साथ में बिठाया, उन्होंने वहाँ पे 300-300 रुपये कुछ दिए थे और वहीं पे हम लोग थोड़ा बैठे सोए, जो भी थोड़ा थोड़ा देर सोए तो नींद तो हुई नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में टीटी आकर, पुलिस वाले आकर सब चिल्ला रहे यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, तो अब स्लीपर में जगह ही नहीं है जाने की, तो कहाँ से जाएंगे भैया, कहाँ से जाएंगे, जगह ही नहीं है बिल्कुल। मतलब इतना क्राउड था कि तुम हाथ क्या उंगली तक नहीं डाल सकते अंदर, इतना भयंकर क्राउड था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे कैसे तो करके, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फिर हम लोग 7:30 हमने एसी से यहाँ का किया, स्लीपर में हम लोग शिफ्ट हुए सामान लेकर पूरा। उसके बाद हम वहाँ पे आने के बाद हम लोग थोड़ा देर सोए, 1-1.5 घंटे की वगैरह नींद हुई। फिर उसके बाद में स्टॉप आ ही गया था, मथुरा स्टेशन आ ही गया था 10 बजे, और हम लोग वहाँ से उतरे। फिर बाहर आए, वहाँ पे हमने वृंदावन के लिए देखा कुछ अवेलेबल मिलता है क्या, फिर टैक्सी किए हमने और टैक्सी से फिर हम लोग प्रेम मंदिर तक आए, वृंदावन प्रेम मंदिर। वहाँ पे हमने थोड़ा जूस वगैरह लिया और वहाँ से हम लोग ऑटो करके, मुझे मुश्किल से 9 बजे एक रूम मिला अवेलेबल। और हम लोगों ने सोचा, मैंने सोचा फिर कि मैं, मोहित तो सो के ही था, मैं बोला चल यार कर लेती हूँ, मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि नहीं मिला वक्त पे तो क्या करेंगे। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रेम मंदिर से बहुत आउटसाइड है। फिर हम लोग पहुँचे प्रेम मंदिर, वहाँ से ऑटो देख रहे यहाँ आने के लिए जहाँ पे हमने रूम लिया था, लेकिन बिल्कुल भी कोई भी ऑटो वाला नहीं, 300-500 रुपये ऐसे ही बता रहा था सब। फिर ओला किया, ओला वाला भी कैंसिल करने के लिए बोल रहा था, फिर उसको कैसे तो कंप्लेंट करके कॉल करके रिक्वेस्ट करके हमने लाए, ओला वाला आया छोड़ के दिया। हम लोग आए यहाँ पे तो एकदम फ्रेश, मतलब पूरा न्यूली ही है, मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। इट्स होटल गोपी धाम, न्यूली मेड ही है तो सारी चीज़ें बहुत एकदम फ्रेश ही लगती है, ऐसा नहीं कि मतलब स्मेल आ रही है कुछ ये वो। फिर मैं शेयर कर दूँगी आपको लोकेशन यहाँ का। और ये वृंदावन टेम्पल से, प्रेम मंदिर टेम्पल से 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, नहाते हैं, कुछ खाते हैं और मस्त सोते हैं क्योंकि नींद नहीं हुई है बहुत सर्द को। शाम में जो हमारा ग्रुप है वो भी आने वाला था यहाँ पे, जो हमारा ट्रेन में बना है सब पूरा ग्रुप, नागपुर का ही है वो, तो वो लोग भी यहाँ आने वाले थे। उनका बेड का कुछ इशू आ रहा था कि बेड उनको सॉफ्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए, तो उनका वो भी हो गया। पहले बोल रहे थे हम लोग आ रहे आ रहे, फिर कैंसिल हो गया उनका, तो अभी उनको वहीं पे मिले हम लोग प्रेम मंदिर में शाम में, मतलब होली का माहौल वही रहेगा शाम में। और बाकी परिक्रमा लगाने के इंटेंशन से तो आई हूँ मैं कि एक दिन मुझे, मतलब ओनली डे उसी को देना है कि मुझे परिक्रमा लगानी है। सो लेट्स सी कहाँ पे हो पाता है पॉसिबल, कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कर लिया था, बहुत रोई थी 3-4 बार, मतलब इतनी टूट गई थी कि मुझसे नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, स्टिल मैंने किया। और इस बार थोड़ा सा डर है लेकिन हिम्मत है कि कर लूँगी मैं। और थोड़ा सा एक गोल भी सेट करके रखा है कि लास्ट टाइम मुझे 21 किलोमीटर्स करने के लिए कितना 6 आवर्स लगे थे, तो इस बार 5 आवर्स में कंप्लीट करने का गोल है मेरा। तो देखते हैं, हरे कृष्णा, हो जाए अच्छे से सब कुछ। आज हम लोग रेस्ट करके वृंदावन, मतलब प्रेम मंदिर वगैरह जाएंगे, उसके बाद कल बरसाना जाने का प्लान है,
फिर वेडनेसडे को मेरा परिक्रमा लगाने का प्लान है, परिक्रमा और रेस्ट। फिर उसके बाद में हम लोग थर्सडे अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे आगरा के लिए, और आगरा मतलब ताजमहल देखना ही मेन है। फिर उसके बाद में स्टेशन पे रुकेंगे, 6 बजे की हमारी रिटर्न ट्रेन है, तो वो तो हो ही जाएगी कंफर्म, क्योंकि 50-60 समथिंग वेटिंग था। तो देखते हैं, ऐसे हैं प्लान्स, अनप्लान चीज़ें, जिसके लिए मैंने बहुत गालियाँ खाई मेरे दोस्तों से कि तू अनप्लान चीज़ें मत किया कर, प्लीज़ मत किया कर, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन एडवेंचरस मज़ा भी आना चाहिए, थोड़ा तकलीफें झेल झेल के, जब तक के ट्रिप नहीं होगी आपकी तब तक मज़ेदार नहीं लगती है। रेस्ट करती हूँ अभी, फिर बाकी का जो भी है अलग अलग पार्ट्स बनाऊँगी। सो यस, ओके, टेक गुड केयर।